अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे कर देना। इससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड छोटी मोटी अपडेट्स के लिए ना मुझे लाजमी से इंस्टाग्राम पे भी ना फॉलो कर देना। सो आज की जो वीडियो भाई वो है न्यू अपडेट्स के मुतालिक के न्यू अपडेट्स जो आ रही है M11 एंड M12 के जो मतलब जो आउटफिट्स हैं वो BGMI की फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है, ठीक है। उसकी लॉबी कैसी होगी, हमारे पास जो न्यू लॉबी आ रही है न्यू अपडेट में वो कैसे होगी, तो सारी डिटेल्स हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को ज़रा सा भी ना स्किप मत करना, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले भाई हमारे पास ये BGMI की न्यू फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है ना उसकी, क्योंकि PUBG से वो अलहदा हो गई थी, तो ये पहली एनिवर्सरी है उसकी, ठीक है। तो ये उसकी लॉबी होगी, फर्स्ट एनिवर्सरी की जो लॉबी है ना भाई ये होगी। ये सिर्फ BGMI वालों के लिए है। और ये जो आउटफिट नज़र आ रहा है ना ये M11 का है। अब ये नहीं पता कि ये M11 में कहाँ पर आएगा, मिथिक होगा, लेजेंडरी तो लग नहीं रहा कहीं से, क्योंकि लेजेंडरी PUBG ऐसे देता नहीं है। खैर जो भी होगा जैसे भी होगा वो पता चल जाएगा। अभी के लिए भाई ये फर्स्ट एनिवर्सरी है BGMI वालों की, तो ये उनकी ये लॉबी आएगी, सिर्फ ये उनके पास आएगी। PUBG वालों के पास ये लॉबी नहीं आएगी। PUBG वालों के पास एक न्यू लॉबी आएगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास जब न्यू अपडेट आएगा ना तो ये चीज़ें हमें तब देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। हमारे पास BGM वालों के पास ये लॉबी आएगी और जो PUBG वाले ना उनके पास आएगी ये वाली लॉबी। ये एक न्यू लॉबी है, ब्रांड न्यू लॉबी। जिस तरह अभी हमारे पास एक लॉबी चल रही है ना फोर्थ एनिवर्सरी की, सेम इसी तरह ये वाली लॉबी आएगी न्यू जब अपडेट आएगी। इसके बाद हमारे पास भाई कार 98 की अपग्रेडेबल स्किन आएगी, शार्क कार 98, ठीक है। बहुत ही औसम है ये अपग्रेड होती रहेगी, भी मैं आपको दिखाता रहता हूँ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सारा कुछ होगा यहाँ पर। तो ये भी हमारे पास ना न्यूज़ में आएंगी, न्यू अपडेट जब आएगी ना तब हमारे पास आएगी ये टाइटेनियम शार्क कार 98 लेवल 1। तो ये लेवल 3 है, ये आपको लाइक नज़र आ रहा होगा, ये लेवल 3 है। कार 98 की स्किन बहुत ही औसम लग रही है, बहुत औसम लग रही है ये। तो ये है लेवल 3। इसके बाद लेवल 6 हमारे पास ये फुल अपग्रेड हो जाती है, इसके बाद सिर्फ क्रेट ही बनना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्किन है, लेकिन भाई अपग्रेडेबल है, यूसी लगने वाला है अच्छे वाला। इसके बाद हमारे पास ये आती है AKM, ये भी अपग्रेडेबल है। तो ये भी काफ़ी औसम लुक दे रहा है, काफ़ी डेंजरस सा लुक है इसका। तो ये भी हमारे पास ना जो न्यू अपडेट आएगा ना 2.0 उसमें हमें देखने को मिल जाएगा। जिस तरह अभी 1.9 चल रहा है ना, इसके बाद सीधा 2.0 आ जाएगा वर्जन, उसमें ये AKM की स्किन अपग्रेडेबल हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये है स्किन। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये ना मतलब मैक्स वगैरह हो गया, लेवल 4 हो गया, लेकिन ऐसा कोई नहीं है अभी। तो भाई ये लेवल 1 पे ही ऐसी है, मतलब AKM जो है ना तो ये लेवल 1 पे ही ऐसा लुक देती है। तो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्किन आ रही है 2.0 में, मतलब 2.0 जो वर्जन आएगा उसमें, तो वो है ग्रोज़ा की। अच्छा ये ग्रोज़ा कोई इतनी ख़ास नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर ना जस्ट स्टिकर ही चिपकाए हैं PUBG वालों ने और कुछ नहीं किया इससे ज़्यादा ना। तो ये लेवल 1 है, बेसिक अपेयरेंस जो होती है ना सिंपल सी है, कोई इतना ख़ास लुक नहीं है। मे बी ये देखो किस में आती है, यूसी तो लगेंगे ही, सीधी सी बात है, वरना यूसी के बगैर तो ये चीज़ें निकलती ही नहीं है ना। इसके बाद ये लेवल 3 है। तो ये कोई थोड़ा बहुत लुक दिया है PUBG वालों ने इसमें कि वाकई लग रहा है कि अपग्रेडेबल गन है। इस तरह मतलब बेसिक पे होनी चाहिए थी, इन्होंने लेवल 3 पे ये लुक दिया, मतलब जो अपग्रेड करते हैं ना लेवल 3 पे दूसरा लुक आता है ना, तो वो ये है। क्योंकि लेवल 2 पे होता है किल मैसेज, लेवल 3 पे अपग्रेड होती है। इसके बाद भाई ये लेवल 5, तो ये कह सकते हैं अपग्रेडेबल गन है ग्रोज़ा की। वैसे भी वो ऐसे स्टिकर चिपका के दे देते हैं, थोड़े थोड़े इजाफा करते रहते हैं स्टिकर्स में और कहते हैं भाई अपग्रेड होगी, अपग्रेड होगी। आजकल तो भाई ऐसी ही स्किन्स आ रही है हमारे पास, मतलब कार्टून टाइप नहीं हो जाता, वो सीन दे दिया PUBG में, ठीक है। तो ये 3 गन्स हैं अभी जो आ रही है हमारे पास न्यू अपडेट में। इसके बाद भाई ये M11 एंड M12 के रॉयल पास मतलब जो आएंगे ना आउटफिट्स वो हैं। तो अभी कह नहीं सकते कि ये मिथिक आउटफिट है या कौन सा आउटफिट है, कहाँ पर आएगा। तो आउटफिट लेजेंडरी तो लग नहीं रहा बिल्कुल, लेकिन आएगा M11 में और M12 में जो आएगा ना ये। तो ये बहुत OP आउटफिट नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इस तरह का एक आउटफिट हमारे पास पहले भी है। गैस करना कौन सा होगा वो आउटफिट, कमेंट्स में बताना। सिर्फ कलर चेंज है, वो रॉयल पास में आया था 50 या 100 RP पे आई थिंक मिला था हमें, लेकिन था सेम ऐसा ही, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा और कलर चेंज था। तो आप बताना, याद करना कौन सा आउटफिट है और कमेंट्स में बताना। आप लोगों के लिए चैलेंज है ये कि वो कौन सा आउटफिट था हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास सेकंड आउटफिट आ रहा है, वो ये वाला है। ये भी कंफर्म नहीं है किस में आएगा हमारे पास, ये रॉयल पास में आता है कहाँ आता है, लेकिन न्यू अपडेट में आएगा इतना कंफर्म है। ये आउटफिट आएगा न्यू अपडेट में। तो ये तो भाई ऐसा लग रहा है जिस तरह कोई रिबॉट नहीं होता, रिबॉट तो वही उस तरह का ही कोई आउटफिट दे रहे हैं पबजी वाले। पीछे इसके मतलब वो चाबी भी देखो कहाँ लगाई है, मतलब पबजी वालों कोई कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है यार, कहाँ पर ये चाबी लगा दी है तुम लोगों ने। तो ये आउटफिट आ रहा है हमारे पास, ये भी नहीं पता कि ये लेजेंडरी होगा, ये मिथिक होगा, ये एपिक, कोई भी आउटफिट हो सकता है। इसके बाद भाई ये थर्ड आउटफिट है, तो ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारे पास न्यू अपडेट में ही आएगा। M11 एंड M12 रॉयल पास में कोई भी हो सकता है, M11 में हो सकता है, M12 में हो सकता है, रॉयल पास में हो सकता है, किसी क्रेट में आ सकता है, किसी जगह भी आ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है इसकी ना, कोई कंफर्मेशन नहीं है कहाँ पर आता है। इसके बाद एक और आउटफिट है, वो ये वाला आउटफिट है हमारे पास, ये भी हमें न्यू अपडेट में देखने को मिलेगा। तो ये भी मतलब ठीक ठाक सा आउटफिट है, पहले जो आउटफिट है ना वो कुछ अच्छा था, जो पहला था आउटफिट स्लिम सा था। तो ये आउटफिट हमें देखने को मिलेगा न्यू अपडेट में जो हमारे पास 2.0 आएगा। ये आई थिंक ना एपिक होगा, लेजेंडरी भी मुझे नहीं लग रहा, इतना कोई ख़ास नहीं है। खैर पता भी नहीं है पबजी का, कुछ भी दे सकती हैं। इसके बाद ये एक आउटफिट हमारे पास आएगा, ये आई थिंक फिफ्थ आउटफिट हो गया ना हमारे पास M11 का। तो M11 का होगा या M12 का होगा, किसी का भी हो सकता है, रॉयल पास में भी आ सकता है, क्रेट में भी आ सकता है, मतलब न्यू अपडेट में आएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो ये आउटफिट है। इसके बाद हमारे पास से एक और आउटफिट आता है, वो ये वाला आउटफिट है। तो ये आधा क्या है, आधा क्या है, मतलब पबजी क्या चीज़ है ये, क्या बना दिया इसे। तो ये आउटफिट भी हमें भाई देखने को मिलेगा, कार्टून बनाई जा रही है पबजी ना, कार्टून पहले होती थी पबजी में, वॉरियर वाले आउटफिट, मतलब एक ज़बरदस्त लुक देती थी। और ये पबजी ऐसा करता ही है, एक रॉयल पास अगर ये अच्छा दे देता है ना तो भाई बाकी वाले रॉयल पास इतने घटिया निकालता है, मतलब बंदा क्या ही बोले। एक ये है अब आधा, और ये आधा आउटफिट ये वाला है भाई। तो ये पता नहीं पबजी कहाँ जा रहा है, किस साइड पे जा रहा है। ये देखो भाई ये आउटफिट है, ये भी नहीं पता कि ये लेजेंडरी होगा, मिथिक होगा, एपिक होगा, क्या सीन होगा, ये जब आएगा तब ही पता चलेगा। अभी तो सिर्फ लीक्स हैं ये, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि ये आउटफिट्स आने वाले हैं हमारे पास अपकमिंग। और इसके बाद हमारे पास आएगा, ये हो गया हमारे पास आउटफिट। इसके बाद एक और आउटफिट है, लास्ट आई थिंक होगा ये। तो ये वाला आउटफिट है, ये देखें ये वाला, ये कुछ लुक अच्छा है कह सकते हैं, डांसर नहीं होते जिस तरह, मतलब वैसा कोई आउटफिट है। तो ये भी हमारे पास ना न्यू अपडेट जो आएगी ना उसमें हमें देखने को मिलेगा ये आउटफिट। ये गोल्डन है ना इसलिए थोड़ा कोई लुक इसका अच्छा लग रहा है, वरना कोई इतना ख़ास नहीं है। पता नहीं फीमेल ही आई थिंक ये, क्योंकि जिस तरह के इसके पांचे हैं ना इस तरह, तो वो 90s में जो डांसर होते थे ना उनके होते थे। इसके बाद ये एक और आउटफिट है, तो ये भी मतलब एक टॉय टाइप नहीं होता जिस तरह पीछे चाबी लगी हुई है, तो वैसा ये आउटफिट है। ये भी हमें ना न्यू अपडेट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी लीक्स ना ये हमारे पास जो न्यू अपडेट आएगी ना 2.0 उसमें ये हम सबको ना मतलब हमें ना ये देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, तो लाजमी से ना गाइस शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।